समय सीधा रुख करते हैं डिप्टी सीएम हरियाणा के दुष्यंत चौटाला। हरियाणा और ये कोई ड्रग ट्रैफिकिंग की तरह नहीं है कि बॉर्डर सील कर देंगे और ये चीज रुक जाएगी। ये तो एनवायरमेंटल इश्यू है। कोई भी चीज पंजाब से अगर बाय एयर दिल्ली की ओर आती है तो उसका कोई ना कोई एनवायरमेंट का टेक्निकल कारण होगा, जिसके ऊपर मुझे लगता है हमें मिलकर कदम उठाने चाहिए। शॉर्ट टर्म नहीं, हमें कदम उठाने पड़ेंगे लॉन्ग टर्म, जो आगामी एक साल के अंदर ये चीज हमें दोबारा देखने को ना मिले। इसके अंदर डाटा ये भी बताता है कि पिछले साल से लगभग 34% स्टबल बर्निंग हरियाणा के अंदर कम हुई है और ये प्रयास है कि इसको और कम किया जाए, मगर कैसे कदम उठाए जाएंगे तो ज्वाइंटली केंद्र सरकार के प्रयासों से एनसीआर संबंधित चारों स्टेट्स साथ में, क्योंकि पंजाब एक अपने आप में की रोल प्लेयर है, उनके साथ चर्चा करके आगे कदम उठाए। लेकिन उप मुख्यमंत्री जैसा आपने कह दिया कि पंजाब कर रहा है, इसी बात को दिल्ली हरियाणा पे डाल रही है। मैं तो आपको नासा के जो मिनट टू मिनट डाटा अपडेट है, हरसेक के डाटा चाहिए आपको, हरसेक के भी डाटा प्रोवाइड कर देंगे जो हरियाणा की सैटेलाइटरी इमेजरी है, मगर मैं ये चीज बता रहा हूं कि आज के दिन जो इस 72 घंटे का डाटा उपलब्ध है नासा की वेबसाइट पर, उसमें हरियाणा इसमें रोल प्लेयर नहीं है, इसका रोल प्लेयर पंजाब है। मगर दिल्ली के अंदर ये क्लॉगिंग होनी, इसके अंदर मैं ये मानता हूं दिल्ली के जो डंप यार्ड में आग लगती है वो भी अपने आप में बहुत बड़ा हेजिडियस स्टेप है, जिसको दिल्ली सरकार को मॉनिटर करना चाहिए और बियॉन्ड पार्टी पॉलिटिक्स, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये केवल मात्र ये दिखा के कि 5 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिए आपने, एक बच्चों की सेहत के ऊपर ध्यान रखने की बजाय आज सबसे बड़ी चीज जो है वो जो अस्थमा के पेशेंट हैं, सबसे ज्यादा दिक्कत तो उनको आती है। जो पेशेंट्स हैं जिनको ब्रोंकाइटिस है आज, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। देश के नागरिक की सेहत का ध्यान रखना मुझे लगता है कि हर सरकार की जिम्मेवारी है, और हरियाणा या दिल्ली या पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन 5ों सरकार से ज्यादा केंद्र सरकार को इस पर ज्वाइंटली कदम उठाना चाहिए। और आग्रह प्रकाश जावड़ेकर जी से हरियाणा सरकार ने किया है, मुख्यमंत्री जी से मेरी चर्चा हुई, उनने भी बात करी है, पत्र हम ऑफिशियली भेज चुके हैं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर एक ज्वाइंट बैठक बुलाकर फ्यूचर कोर्स तक। कितने राज्यों की बैठक? 5 राज्यों से आग्रह किया, 4 राज्य जो एनसीआर में इन्वॉल्व हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान, और उसके साथ साथ क्योंकि बारी बारी पंजाब इसमें चर्चा का विषय बनता है तो पंजाब के मुख्यमंत्री से भी आग्रह करेंगे कि उनकी ओर से। सर, सरकार नेता प्रतिपक्ष के इस बार निजी और सरकारी स्कूल दोनों में छुट्टियां नहीं, ओपन एक्टिविटीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई है, क्योंकि 2 दिन तो सैटरडे संडे का है, इसमें कोई स्कूल तो चलने नहीं, पर उसके अंदर 5 तारीख से पहले आज के दिन भी ये नोटिफिकेशन इशू था कि ओपन एक्टिविटीज हरियाणा प्रदेश के किसी भी स्कूल में। नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि जो पैराली का अब तक का जो मॉडल दिया गया है वो इतना वाजिब नहीं है, उसमें जो कॉस्ट आएगी, जो डीकम्पोजर की कॉस्ट है, वो किसानों पर बोझ पड़ेगी, इससे अच्छा है कि किसान पराली को जो वेस्ट है उसको उठाकर कुछ ढंग से अपने तरफ से प्रयोग। आपने ये बात रख दी, इसके ऊपर जब कैबिनेट की बैठक थी, जब डीकम्पोजर पर चर्चा हुई थी, उस समय ये पॉइंट भी आया था कि हरियाणा के अंदर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स अभी नहीं है, जो एक था वो टेक्निकल ग्लिच के कारण आज के दिन भी खराब पड़ा है, मगर इंडियन ऑयल के साथ पानीपत के अंदर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो लगभग 4 जिलों को कैटर करेगा, उसको विद इन नेक्स्ट 6 मंथ फंक्शनल कर दिया जाएगा, और उसके साथ साथ कैबिनेट की मीटिंग के अंदर ये चर्चा हुई थी कि फ्यूचर कोर्स में हम ये डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लेंगे कि हरियाणा के अंदर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स और लगाए जाएं, जिस पे सब्सिडी ज्यादा दी जाए कि और पावर प्लेयर्स जो हैं वो आकर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स के अंदर, चाहे वो पैडी हस्क हो, चाहे वो सोयाबीन का हस्क हो, चाहे वो आपके सूरजमुखी का हस्क हो, इस तरह के वेस्ट जितना भी एग्रीकल्चर है उसको जलाने की बजाय इन प्लांट्स के माध्यम से यूटिलाइज करें, और साथ में जितना हमारा गार्बेज वेस्ट है जो अलग अलग जगह डंपिंग यार्ड्स में पड़ा है, क्योंकि एज एन MP मैंने देखा कि डंडूर के अंदर बनाया गया और वो किस लेवल पर पहुंच गया, तो मुझे लगता है ये जिम्मेवारी बनती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पर इनिशिएटिव लेना चाहती है कि वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स सेटअप ज्यादा से ज्यादा। सर, पराली जलाने को लेकर सरकार की तरफ से किसानों के चालान काटे जा रहे हैं,
भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रही है कि किसान मजबूर है पराली जलाने के लिए और नई सरकार जो है चलान काटू सरकार जो है वो। और इसमें एक जोड़ता हूं मैं, डीप कंपोजर पर जो सब्सिडी आपने दिया उसे भद्दा मजाक किसानों के साथ बताया, उनका कहना है 20 रुपए एक एकड़ में खर्चा। सब्सिडी कौन सी दी थी? मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि उस दिन आप सब ने एक मुद्दा बनाया भी 50% सब्सिडी देने की बात। हमने कहा कि डी कंपोजर को सब्सिडाइज किया जाए, किस लेवल पर किया जाएगा ये तो सरकार का निर्णय हो, उस पर 50% किया जाए, 70 किया जाए, 80 किया जाए। उसके साथ साथ एक मॉडल HAU का सामने आया है जो और ज़्यादा बेनिफिशियल है, जहाँ पर वेस्ट टू एनर्जी, एनर्जी इन टर्म्स ऑफ बिजली नहीं गैस के तौर पर HAU में एक प्लांट लगाया गया है, जिसको हम सोच रहे हैं कि ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है, आगने वाले समय में गाँव दर गाँव पहुँचाए जाएंगे, जिससे एग्रीकल्चर वेस्ट टू गैस बनाई जाएगी और एनर्जी हर घर तक पहुंचाई जाए। तो उसके ऊपर आने वाले भविष्य में जो कदम दिए जाएंगे आपको ब्रीफ। चालान की जो बात, चालान काटू जो सरकार कहा जा रहा है किसान मजबूर है, कोई ऑप्शन नहीं है इसीलिए किसान मजबूर है। चालान इन्फॉर्मेशन के किसान के बेटे के तौर पर हुड्डा साहब को एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, वो चालान काटू सरकार बोलते, प्रथा तो उनकी सरकार ने शुरू करी थी और आज कोई जाकर अफसर चालान नहीं काट रहा, ये तो हर्षक की डिजिटल इंफॉर्मेशन के माध्यम से ये पहुंचाया जा रहा है। मगर इस पर हम लुक इन टू कर रहे हैं कि फार्मर को इस चीज की दिक्कत ना आए। हाँ जरूर कोई कानून NGT ने भी बना रखे हैं, आप उसको ओवररूल नहीं कर सकते। हुड्डा साहब अगर आज हमारी परिस्थिति में होते तो शायद उनकी सरकार तो इससे फालतू कदम उठाती, हम तो एक एक दाना भी परचेज करने की बात कर रहे हैं। सर जब भी पॉल्यूशन की बात आती है, पिछली बार केजरीवाल और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बीच बैठक होती है, 12 समझौतों पर बात की जाती है, जिनमें से ट्रैफिक भी एक बड़ी समस्या थी, बदरपुर से लेकर के आश्रम तक उसको एलिवेटेड करने की बात की गई थी, लाइट फ्री करने की बात की गई थी, उनमें से एक महत्वपूर्ण बात यह थी क्योंकि ट्रैफिक भी बड़ी दिल्ली का विषय है। मेरे ख्याल से केजरीवाल जी इस पे अब तो बैठक होगी, लाइट लाइट एक बड़ी सेंट्रल एनवायरमेंट मिनिस्टर से हमने आग्रह किया है, यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट जैसे ही अगला कदम उठाएंगे, चाहे उसके अंदर मुख्यमंत्रियों को बुलाए, कंसर्न मिनिस्टर्स को बुलाए, फिर उसके बाद की बात है कि फाइनल कंक्लूजन क्या है। मंत्रिमंडल कब तक हो जाएगा, मंत्रिमंडल का इंतजार हो रहा है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जो कि दिल्ली में ही है, हरियाणा भवन में है, सीएम भी और डिप्टी सीएम भी, चूंकि कैबिनेट गठन को लेकर विस्तार को लेकर चर्चा हो रही है, इस बीच डिप्टी सीएम सामने आए तो मीडिया ने सवाल भी पूछे पराली को लेकर, जो कि एक बड़ी समस्या है, प्रदूषण बड़ी समस्या है, उसको लेकर डिप्टी सीएम से सवाल और उसके बाद डिप्टी सीएम के जवाब। दुष्यंत ने कहा कि प्रदूषण एक बड़ी समस्या है और केंद्र सरकार खुद इनिशिएटिव लेकर, जो 4-5 राज्य हैं जिनमें पंजाब हरियाणा दिल्ली राजस्थान, इनकी सरकारों से बात करें, पराली जलाना एक बड़ी समस्या है जिसकी वजह से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, उस पर केंद्र सरकार को इनिशिएटिव लेने की जरूरत है।